उधर बंदरा के केवसा चौक पर रात चोरी करते हुए ग्रामीणों ने तीन चोरों को पकड़ा है। बताया जाता है कि इसकी मौके पर जमकर धुनाई कर दी गई, बाद में पुलिस को सौंप दिया गया। मामला बंदरा प्रखंड के हाथाओपी क्षेत्र के केवसा चौक से सामने आया है। शनिवार की देर रात की यह घटना है। देर रात में दुकान का ताला तोड़कर चोरी करने के प्रयास में ग्रामीणों ने तीन चोरों को रंगे हाथ पकड़ लिया। तीनों की बांध कर जमकर पिटाई की गई, पुलिस को बाद में सौंप दिया गया। तीनों चोर की पहचान पड़ोसी गायघाट थाना क्षेत्र के बरीफा गांव के संजीत राम तथा चक्की गांव के रोहित कुमार तथा अनीश कुमार के रूप में की गई है। पुलिस घटना की प्राथमिकी दर्ज कर ली है। तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। रविवार की शाम हाथाओपी के अध्यक्ष मोहम्मद शमीम अख्तर ने इस पूरे घटनाक्रम की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि शनिवार की देर रात चौक पर दुकान में चोरी के प्रयास के दौरान ग्रामीण जग गए। तीनों चोरों को रंगे हाथों पकड़ लिया गया, जिसके बाद पहले जमकर पिटाई की गई, बाद में मामले की जानकारी पुलिस को मिली। पुलिस के पहुंचने पर तीनों चोरों को ग्रामीणों ने पुलिस के हवाले कर दिया। तीनों को पास के पूसा समस्तीपुर के अनुमंडलीय अस्पताल ले जाकर इलाज करवाया गया, जिसके बाद न्यायिक हिरासत में आज भेज दिया गया, जहां से तीनों को जेल भेज दी गई। उन्होंने बताया कि केवसा चौक पर ग्राहक सेवा केंद्र का ताला तोड़कर चोरी का प्रयास किया जा रहा था। तीनों गायघाट के बरीफा एवं चक्की गांव से यहां आकर चोरी की घटना को अंजाम देना चाह रहे थे। ग्रामीण सूत्रों का बताना है कि तीनों एक बाइक से यहां पहुंचे थे। ग्रामीण का यह भी बताना है कि इस दौरान एक चोर भागने में सफल भी रहा। हालांकि पुलिस का बताना है कि तीन अपराधी को पुलिस ने मौके से पकड़ लिया। इस मामले में सेवा केंद्र के संचालक राकेश कुमार मंडल ने बताया कि देर रात्रि करीब 1 बजे के बाद जब वे बगल के स्कूल के छत पर सो रहे थे तो उनके दुकान में ताला तोड़ने की आवाज आई। शोर मचाए जाने के बाद ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जुट गई। गांव वालों की मदद से मौके पर तीन चोर को खदेड़कर पकड़ लिया गया। तीनों को ग्रामीणों ने जमकर पिटाई कर दी। आरोप है कि उनके दुकान से 40,000 रुपये नकद चोरी भी कर लिए गए। इसके पहले एक अन्य कपड़े की दुकान में भी ताला तोड़ने का प्रयास किया गया था। बहरहाल पुलिस विभिन्न दृष्टिकोण से इस मामले की पड़ताल में जुटी है। घटना की प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है तथा तीनों आरोपी को पुलिस न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मैं सोए थे, आपने आए थे, दबा जा रहे थे, इसलिए तीन आदमी पकड़ आया था। दुकान में कितने आदमी था? 4 आदमी था। कितने को आप पकड़े थे? 3 आदमी को पकड़े, भाग गया। क्या नाम हुआ आपका? ये क्या नाम है, दवाई का दुकान है और उस पर जो है ना चार लड़के जो है ना चारों दुकानों पर जो है ताला तोड़ रहे थे। कितने बजे? ये 3 बजे, 1 बजे की बात है। 1 बजे? हाँ जी। माने किस चीज का दुकान में चोरी हुआ? ये बिजली का दुकान है। यहाँ पे घटना ये हुआ है कि जो रात को यहाँ पे बिजली कट जाने के बाद हम लोग छत पे सो रहे थे। छत पे सोने के बाद ऐसा हुआ कि हम लोग जैसे बिजली आई तो हम लोग दुकान के अंदर आए थे। दुकान के अंदर जैसे ही गए तो यहाँ पे शटर टूटने की आवाज़ आई। शटर का ताला जब टूटा तो खरबाड़ की आवाज़ आई, तो हम लोग आए तो देखे कि 3-4 लोग दुकान के अंदर घुसा पड़ा है और कैश 40,000 का उसको ले गया है, जो ये ग्राहक सेवा केंद्र है। और यहाँ से ऐसे है कि जो लूट के ले गया तो उसमें एक आदमी भागने में सफल हो गया, रात के अंधेरे में छुप गया और 3 आदमी बरामद हो चुका है। 3 आदमी पकड़े गए हैं। जो आदमी है, ये घटना कितने बजे की है? ये घटना 1:20 पे है रात्रि। घटना की जानकारी आपको कैसे मिला? घटना की जानकारी हम लोग मतलब कि स्कूल के बराबर वाले छत पे सो रहे थे और हमारा यहाँ पे बगल में दुकान है और दुकान में हम लोग सोने गए थे तो हमें जैसे शटर टूटा है, ताला टूटा, उसके टूटने की आवाज़ आई। जब हम लोग आए तो 3-4 लड़के को देखे कि दुकान के अंदर दाखिल हुआ। हम लोग 2 आदमी थे, जब तक पकड़ने के लिए गए तब तक ऐसा हुआ कि एक आदमी भाग गया और 2-3 आदमी को हम लोग किसी तरह पकड़ के हथावाई करके पकड़ के उसको थाने में पुलिस को दे दिए। प्रशासन को सूचना दिए? प्रशासन को सूचना दिए। जब प्रशासन आया सवेरे 4:30 बजे, तो प्रशासन आया, फिर उसे प्रशासन ले गया। इसमें लमसम इसमें 40,000 तो कैश गया है और इसमें कम से कम 30-40,000 का सामान भी गायब हुआ है। टोटल कुल मिलाकर कितना होगा? कुल मिलाकर 80,000 रुपये का सामान गया। ताला तोड़ रहा था, चोरी हो रहा था, यहाँ पे चोरी कर रहा था 4 लोग। कितने बजे ये घटना हुई है? लगभग 1 से 1.5 के बीच में। घटना की जानकारी आपको कैसे मिली? हम लोग सोए हुए थे यहाँ बगल में, तो आवाज़ आ रहा था ताला तोड़ने का। क्या माने कि कुछ सामान में या कुछ? 40,000 मेरा कैश ले गया है और सामान भी ले गया। कितने के संख्या में थे आदमी? 4 लोग थे। 4 लोग, और कितने लोगों को पकड़ा गया है?
तीन लोग पकड़ा गया है और एक कैश लेके भाग गया भाग गया। प्रशासन को इसके बारे में सूचना दिए थे आप? दिए थे, लेकिन प्रशासन 4 बजे आया, 3 घंटे विलंब से आया प्रशासन। मेरा ग्राहक सेवा केंद्र है और बिजली का सामान रखते हैं। गायघाट प्रखंड क्षेत्र में युवा राजद इकाई के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आह्वान पर आज गायघाट विधानसभा क्षेत्र में राजद कार्यकर्ताओं ने साइकिल यात्रा निकाली। रैली को संबोधित करते हुए युवा राजद के प्रदेश महासचिव अर्जुन राय ने कहा कि बिहार की डबल इंजन की सरकार पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार वृद्धि कर रही है, जिससे जनता पर अनावश्यक बोझ बढ़ गया है। इसके विरोध में आज हम नौजवान साथी साइकिल यात्रा निकाले हैं। यह निकम्मी सरकार किसान विरोधी है, किसानों को महंगी दर पर डीजल खरीदने को मजबूर कर रही है। इससे खेती करना काफी कठिन हो गया है, खेती के लिए लगातार खर्च महंगी हो रही है।